नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी समाधान के बारे में बताते हैं। बहुत सी शारीरिक समस्याओं को दूर करने हेतु हम आपको घरेलू उपायों के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, आपका सही स्वास्थ्य और सुखी जीवन ही हमारा उद्देश्य है। आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे आप चटपटा स्वाद ले सकते हैं और खुद को स्वस्थ भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम बात करेंगे चटनी के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में परंपरा है कि चटनी को खाने के साथ ही लोग बहुत पसंद करते हैं। यूं तो चटनी स्पाइसी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं चटनी खाकर भी आप सेहत बना सकते हैं? जी हाँ, आज हम आपको चटनी खाने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। आंवला की चटनी। आंवले की चटनी में जो आंवला है उसमें विटामिन सी का स्तर बहुत अधिक होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर हम इस चटनी में थोड़ी सी अदरक डालें, उसमें खीरा और नींबू डालें, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। धनिया और पुदीना की चटनी। धनिया और पुदीना की पत्तियों में कई माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अगर इसमें लहसुन, अदरक और प्याज कूटकर डालें तो अदरक की जो डाइजेस्ट करने की क्षमता है वह भी इसमें जुड़ जाती है। इसी तरह से लहसुन एंटीबैक्टीरियल है, पेट के कीड़ों को मारता है और पेट को हेल्दी रखता है। ऐसे में धनिए पुदीने की चटनी बेहद हेल्दी हो जाती है। जायफल की चटनी। इसमें टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा भूनकर खा लेंगे तो आप पाएंगे कि चटनी का स्वाद बहुत बढ़ गया है। ध्यान रहे, इसमें एक ही जायफल इस्तेमाल करना है, बाकी इसमें टमाटर की अधिकता रहती है और पेट दर्द को यह दूर करती है। जायफल पेट की मांसपेशियों को आराम देता है। अगर आप स्वाद के साथ साथ सेहत भी बनाना चाहते हैं तो इन चटनियों को अपने भोजन में शामिल करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।